हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और हमारे छोटे से ब्लॉग में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं वीडियो कुछ महिलाओं पर बनाने जा रही हूँ, और आप लोग ध्यान से सुनिएगा और मेरी वीडियो से सहमत हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। कि लोग कहते हैं कि चार चार लड़के की माँ भाग जाती है किसी भी को लेकर, और सब लोग बोलते हैं मतलब कि औरतें बहुत गलत होती हैं, भाग जाती हैं इनको लेकर उनका लेकर। तो औरतें हर जगह गलत नहीं होती हैं, उनको इग्नोर किया जाता है, उन पर टाइम नहीं दिया जाता है, इसीलिए वो थक जाती हैं। या तो औरत को इनकम की तकलीफ़ होती है, उसके मतलब परिवार वाले देते नहीं हैं, या तो उनके हस्बैंड खुद उन पर टाइम स्पेंड नहीं करते हैं, बात नहीं करते हैं ढंग से, इग्नोर कर देते हैं, उनके बातों को समझते नहीं हैं, उन्हें नीचा दिखाते हैं। तो नीचा दिखाने के बजाय उनकी झूठी तारीफ़ किया करें तो वो औरत कभी किसी का घर तोड़कर या किसी पति को छोड़कर नहीं भागेगी और नहीं घर छोड़कर जाएगी। अगर उसके हस्बैंड से उसे टाइम मिलेगा, वो अपने टाइम थोड़ा बहुत स्पेंड करेगा उसके साथ, तो वो उसी के साथ रहेगी। वो हमेशा, कितने हस्बैंड लोग होते हैं ना कि अपनी औरत को हर बात में गलत और दोषी ठहराते हैं, हमेशा नीचा दिखाते हैं। तो कुछ औरत सहन कर सकती है, उनमें सहन करने की क्षमता होती है और कुछ लोगों को नहीं होती। तो जो लोग सहन कर लेती हैं वो रह जाती हैं, और कितनी लोग नहीं सहन कर पाती हैं तो वो लोग कोई लड़का या कोई भी हो उन लोग का झूठे तारीफ करते हैं। तो कितने लोग की औरतों का दिल जो ना है मोम की तरह होता है, वो तुरंत पिघल जाता है। तो वो सोचती हैं कि ये तो मेरे पति से ज़्यादा अच्छा है और मुझे टाइम स्पेंड नहीं करता, ये मेरे पर डिपेंड रहता है। तो इसीलिए वो औरत उसी में प्यार खोजने लगती है और उसी के साथ रहना चाहती है। तो औरत सब लोग ये काम ना करें, अपने हस्बैंड में ही प्यार खोजें और किसी गैर मर्द में नहीं। और आप लोग आदमी लोग से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने औरत को ही रिस्पेक्ट इज्जत दीजिए, और उन्हें नीचा दिखाने के बजाय उन्हें थोड़ी थोड़ी झूठी ही क्यों ना तारीफ़ कीजिए, उनके उनके कामों में हाथ बटाइए और उनका अच्छा से देखभाल करिए। देखिए आपकी जीवन और आपकी मतलब लाइफ जो है ना एकदम अच्छे सेटल हो जाएगी। तो आप लोग मेरे वीडियो से सहमत हो तो एक लाइक